ग्वालियर जिले में विगत कुछ समय से विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों पर स्कॉर्पियो गाड़ी सवार बदमाशों द्वारा डीजल भरवाकर धोखे से भाग जाने की घटनाएं लगातार हो रही थी, जिस पर जिले के विभिन्न थानों में स्कॉर्पियो सवार अज्ञात दो बदमाशों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग जाने वाले बदमाशों को थाना पुरानी छावनी क्षेत्र अंतर्गत बदनापुरा रोड के आसपास सफेद रंग की स्कॉर्पियो में देखा गया है। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर भागने वाले बदमाशों की शिनाख्त कर कार्रवाई करने हेतु अति पुलिस अधीक्षक शहर अभिनव चौकसे और अति पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया को निर्देशित किया गया था। SP ग्वालियर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच व थाना पुरानी छावनी पुलिस की टीम बनाकर उक्त बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में DSP अपराध रत्नेश तोमर, विजय भदौरिया एवं CSP महाराजपुरा रवि भदौरिया के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच व थाना पुरानी छावनी पुलिस की टीम को सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु मुखबिर के बताए स्थान बदनापुरा भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा बदनापुरा रोड मुलायम पेट्रोल पंप के पास बदमाशों की सर्चिंग की गई तो मुलायम पेट्रोल पंप के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी दिखी। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को देखकर कार भगाने का प्रयास किया, जिसे क्राइम ब्रांच व थाना पुरानी छावनी पुलिस की टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से स्कॉर्पियो सहित दो बदमाशों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों की तलाशी लेने पर 315 बोर का देसी कट्टा में दो जिंदा राउंड जब्त किए गए। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ करने पर विगत समय में ग्वालियर जिले के आधा दर्जन पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग जाने की घटना कर ना स्वीकार किया गया है। अन्य वारदातों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने बताया कि वरात्रि के समय सुनसान पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी में रखी 5 से 6 किनों में डीजल भरवा कर पंप ऑपरेटर को बातों में लगाकर मौका देखकर बिना पैसे दिए गाड़ी लेकर भाग जाते थे। डबरा में इन लोगों के द्वारा केनों में डीजल भरवा कर पंप ऑपरेटर से बिल देने के लिए कहा। जब पंप ऑपरेटर बिल निकालने लगा तभी यह दोनों बिना पैसे दिए स्कॉर्पियो लेकर भाग निकले। इसी प्रकार यह लोग विभिन्न पेट्रोल पंपों से डीजल भरवा कर धोखे से बिना पैसे दिए गाड़ी लेकर भाग जाते थे। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ फरियादियों की रिपोर्ट पर थाना पुरानी छावनी बिलौवा तथा डबरा में डीजल भरवा कर बिना पैसे दिए भाग जाने संबंधी धोखाधड़ी व चोरी के प्रकरण पंजीबद्ध तथा थाना पुरानी छावनी में आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पकड़े गए आरोपियों द्वारा डीजल भरवाने में उपयोग की गई अलग अलग गाड़ियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों द्वारा सुरेंद्र ऑटोमोबाइल रायरू BPCL थाना पुरानी छावनी से कुल 18,000 रुपए का डीजल, श्रीजी ऑटो BPCL थाना पुरानी छावनी से कुल 30,930 रुपए का डीजल, रिलायंस पेट्रोल पंप डबरा से कुल 37,022 रुपए का डीजल, राजश्री फिलिंग IOCL झांसी बाईपास रमौआ डेम से कुल 35,000 रुपए का डीजल, दिव्य हाईवे SPCL बिलौवा से कुल 20,200 रुपए का डीजल भरवा कर घर आकर फरार हो गए थे। उक्त घटना का पर्दाफाश कर दो बदमाशों को पकड़ने में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच निरीक्षक दामोदर गुप्ता, थाना प्रभारी पुरानी छावनी निरीक्षक सुधीर सिंह कुशवाहा, क्राइम ब्रांच टीम उप निरीक्षक राहुल अहिरवार, मदन उदैनिया की भूमिका सराहनीय रही।